कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर प्रशासन सक्रिय और जिला प्रशासन लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहा है, तो वहीं एक तरफ कोरोना वायरस के खौफ के साए में कुछ मेडिकल स्टोर वालों ने अवैध रूप से हॉस्पिटल खोल रखे थे जहां पर मरीजों को भर्ती किया गया था। अछनेरा रोड पर MSJ कॉलेज से आगे स्थित चिराग मेडिकल स्टोर पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की, तो वहां पर अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल भी मिला जिसमें कुछ मरीज भी भर्ती मिले। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने अवैध रूप से रखी गई दवाइयों को भी सीज किया। इसके अलावा MSJ कॉलेज से आगे ब्रजनगर पर दो दुकानों को किराए पर ले रखा था और उसमें ही एक डॉक्टर ने दीक्षित क्लिनिक के नाम से अवैध हॉस्पिटल चला रहा था जहां पर अंदर बेड मिले, उसको भी जिला प्रशासन ने सीज करके उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही अमेरिकन गेट के पास एस क्लिनिक के नाम से एक और उसी रोड पर अवैध क्लिनिक संचालित मिला। यहाँ पर उसके पास कोई डिग्री नहीं होने पर भी वह मरीजों को देख रहा था, उसको भी जिला प्रशासन ने सीज किया है और उस फर्जी डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भरतपुर शहर में अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद शहर भर के मेडिकल स्टोरों और फर्जी डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है।